हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जेब्लोनस्की डायग्राम। जेब्लोनस्की डायग्राम को सबसे फर्स्टली जेब्लोनस्की नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम के बेस पर इस डायग्राम को हम जेब्लोनस्की डायग्राम कहते हैं। ये डायग्राम एक पिक्चोरिकल इलस्ट्रेशन है जिसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी गेन करके डिफरेंट एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हमें ऑब्टेन होती है। देखिए, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है, इन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जेब्लोनस्की डायग्राम इज अ डायग्राम दैट इलस्ट्रेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द ट्रांजिशन बिटवीन दैम। द स्टेट आर अरेंज्ड वर्टिकली बाय द एनर्जी एंड ग्रुप हॉरिजॉन्टली बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जो जेब्लोनस्की डायग्राम है उसमें हम फ्लोरोसेंस, इंटरनल कन्वर्जन, ट्रिपलेट स्टेट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और फॉस्फोरेसेंस, इन सभी प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के थ्रू ही हम सारी प्रोसेस को स्टडी करेंगे। डायग्राम को भी देखते हैं साथ में। देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनाए हैं। जो एस है, एस शो करेगा सिंगलेट स्टेट को और टी शो करेगा ट्रिपलेट स्टेट को। यहाँ पर एस जीरो है मतलब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। एस वन को बोलेंगे सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और एस टू को बोलेंगे सिंगलेट सेकेंड ग्राउंड स्टेट, और इधर टी को ट्रिपलेट स्टेट बोल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेट को देखिए, यहाँ पर हमने बोला है कि अगर एस जीरो मतलब कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से हम किसी मॉलिक्यूल को एच न्यू मतलब फोटोन दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जाएगा एस वन स्टेट में मतलब सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और प्रोसेस होगी एक्साइटेशन की। देखिए, यहाँ पर S0 है, S0 से हम मॉलिक्यूल को H न्यू एनर्जी देंगे, एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल जा रहा है S1 स्टेट में। S1 स्टेट में गया तो इस प्रोसेस के थ्रू होगा एक्साइटेशन। सेकेंड स्टेट को देखिए, अगर मॉलिक्यूल S1 में है और S1 में ही रहेगा, साथ ही साथ हीट रिलीज करेगा, तो वहां पर प्रोसेस होगी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन की। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही है और इसी स्टेट में रहकर मॉलिक्यूल अगर हीट दे रहा है तो वहां पर वाइब्रेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मॉलिक्यूल S1 में है, S1 से मॉलिक्यूल आ रहा है S0 में और हीट प्रोवाइड कर रहा है या लाइट दे रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्लोरोसेंस। यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल है S1 में, S1 से मॉलिक्यूल आ रहा है S0 मतलब एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में और अगर लाइट को रिलीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्लोरोसेंस। H न्यू है, फ्लोरोसेंस को शो करेगा। फ्लोरोसेंस में जनरली जो लाइट रहती है उसकी ब्राइटनेस कम होती है। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, फोर्थ, अगर मॉलिक्यूल S1 में है, S1 से मॉलिक्यूल जा रहा है S0 में और हीट दे रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन, जिसे IC से शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल S1 में है, S1 से मॉलिक्यूल जा रहा है S0 में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। नेक्स्ट देखिए, अगर मॉलिक्यूल S1 स्टेट से जा रहा है टी ट्रिपलेट स्टेट में, मतलब कि ये अपने सिस्टम को चेंज कर रहा है, सिंगलेट स्टेट से जाएगा ट्रिपलेट स्टेट में, मतलब इसने अपना सिस्टम चेंज कर लिया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ पर देखिए, S1 है, S1 से मॉलिक्यूल जा रहा है टी ट्रिपलेट स्टेट में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। नेक्स्ट को देखिए, अगर मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है और ट्रिपलेट स्टेट में ही रहकर अगर हीट दे रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वाइब्रेशनल कैस्केड, जैसे यहाँ पर हुआ था सेकेंड स्टेप में। मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में रहकर ही वो अगर हीट दे रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वाइब्रेशनल कैस्केड।
मतलब वाइब्रेशन की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, सेवेंथ स्टेप है, अगर मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट से मॉलिक्यूल जा रहा है S0 मतलब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जा रहा है और हीट देगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मॉलिक्यूल यहाँ पर है ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट से जा रहा है S0 ग्राउंड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मतलब हाई लेवल से जा रहा है लो लेवल में। नेक्स्ट देखिए, लास्ट प्रोसेस है, मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट से वो जा रहा है S0 ग्राउंड स्टेट में, और अगर लाइट को रिलीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। मॉलिक्यूल है ट्रिपलेट स्टेट में, ट्रिपलेट मतलब हाई एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूल जा रहा है S0 ग्राउंड एनर्जी लेवल में, और अगर लाइट को रिलीज करेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में जो लाइट रिलीज होता है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल हाई लेवल में है, हाई मतलब ट्रिपलेट लेवल में है, ट्रिपलेट के नीचे आएगा तो डबलेट, डबलेट से फिर आएगा सिंगलेट, तो नीचे आते आते जो लाइट रहेगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल हाई एनर्जी को गेन करके ऊपर गया था, अब उतनी ही एनर्जी को वापस रिलीज करके नीचे आएगा, तो लाइट की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो यह था जेब्लोनस की डायग्राम। थैंक यू।